हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और नेमिंग रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन और क्रास एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था, तो आज हम लोग पढ़ते हैं कैनिजारो रिएक्शन। उसी के बेस पे ये रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड होगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, हम लोग समझते हैं। देखें, जैसे इस रिएक्शन में बात होगी, ऐसा कोई कार्बोनिल कंपाउंड खासकर हम लोग जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट। पहली चीज इसमें ध्यान देंगे कि अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होना चाहिए। कौन कौन से मॉलिक्यूल यानी कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड जो ये रिएक्शन देंगे, उसमें पहली है अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट हो। दूसरा ये है हमारे पास, इसमें कंसंट्रेट बेस होना चाहिए, लाइक कंसंट्रेट SNO3, सॉरी कंसंट्रेट NaOH या कंसंट्रेट KOH। बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है, फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। देखिए इसमें HCHO, इसमें कार्बोनिल कंपाउंड ये है, ये हाइड्रोजन, ये इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होंगे? तो ऐसे कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं जो, वो हमको क्या लेता है? वो हमको कैनिजारो रिएक्शन देता है। इसमें होता क्या है, इसमें एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज, एंड फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अदर मॉलिक्यूल इज रिड्यूस इंटू एल्कोहल। क्या होगा? एक मॉलिक्यूल इसका ऑक्सीडाइज होगा और एक मॉलिक्यूल इसका रिड्यूस होगा, जो एल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक एसिड में बनाएगा। बेसिकली हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट मिलता है, यानी एसिडिक साल्ट मिलता है। इसी रिएक्शन को हम लोग, ऐसी रिएक्शन को जिसमें किसी एक कंपाउंड यानी एक मॉलिक्यूल का कोई एक पार्ट, यानी उसी का एक पार्ट ऑक्सीडाइज होता है और एक पार्ट रिड्यूस होता है, उसको हम लोग डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11 में डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, तो ये यही ऐसी रिएक्शन होती है जिसका एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और उसी का दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है, ठीक है ना? तो यहां पर आप लोग लीजिएगा डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। अब देखिए इसमें होता क्या है, हम लोग HCHO ले जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, दो HCHO का मॉलिक्यूल ले और हम लोग कंसंट्रेट KOH पे रिएक्शन करवाएं, तो हमको एक मिलता है CH3OH, दूसरा मिलता है हमको HCOOH, एक मिलता है हमको एल्कोहल, एक मिलता है हमको एसिड, ठीक है ना? बहुत सारे में आपको मिलेगा कि यहां पे मिलता है साल्ट मिलता है, ठीक है ना? क्या मिलता है? साल्ट मिलता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं यहां पे एसिड ले रहा हूं, ठीक है ना? इतनी चीजें हमको ध्यान देनी है। हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन में देखा था जो रिएक्शन हो रही थी वो डाइल्यूट की प्रेजेंस में होती थी, ठीक है ना? यहां पे जो होगी वो कंसंट्रेट की प्रेजेंस में होगी, ठीक है? अब हम लोग देखिए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म थोड़ा सा देखते हैं और उसके बाद हम लोग इस रिएक्शन को फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग इतना नोट कर लें, उसके बाद हम लोग इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। देखें इसमें हम लोग सबसे पहले हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है फॉर्मल्डिहाइड का, इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं कंसंट्रेट KOH से। यहां से हमको ये क्या देगा? OH नेगेटिव देगा। ये हमारा ऑक्सीजन, यहां पे नेगेटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव क्रिएट होगा, ये नेगेटिव यहां पे अटैक करेगा और फॉर्मेशन हो जाएगा HCO नेगेटिव H और यहां पर OH। अब देखिए यहां पे हमारे पास एक दूसरा मॉलिक्यूल है, इसका नाम क्या है? H, ये भी फॉर्मल्डिहाइड है ना? अब यहां पे क्या होगा, यहां पे देखिए हमारे पास जो ये हाइड्रोजन है ये हाइड्राइड के फॉर्म में निकल जाएगा। क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रॉन निकल के H नेगेटिव के फॉर्म में ये आ जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मैं यहां पे देखूं इसको, ये फॉर्मेशन हो जाएगा HC और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड
ओ एच। कैसे? देखिए यहां से एच निगेटिव लेके निकलेगा, इसको मैं यहां क्रिएशन करता हूं, देखिए आप लोग, तो यहां पे ये हमारे पास एच, यहां पे ये निगेटिव चार्ज और यहां पर ये पॉजिटिव क्रिएट होगा यहां पे OH, क्योंकि ये एच निगेटिव के फॉर्म में निकला तो यहां पे पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव यहां पे आएगा तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसके साथ OH बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी हमने कहा था ना कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो यहां पे फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद हम लोग देखें यहां पे इस मॉलिक्यूल में ये निगेटिव चार्ज यहां पे क्रिएट हुआ और यहां पे ये पॉजिटिव, यहां पे ये निगेटिव, जो यहां से एच निगेटिव निकला था इस मॉलिक्यूल से, यहां से निकल रहा ना एच निगेटिव, ये एच निगेटिव इस पे जाएगा और फॉर्मेशन करेगा किसका, देखें एच, यहां पे निगेटिव चार्ज, यहां पर एच, यहां पर एच। यानी ये कहने का मतलब यह है कि ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास है ये CH3O निगेटिव का फॉर्मेशन कर दिया है ना, ये किसका फॉर्मेशन कर दिया, CH3O निगेटिव का। उसके बाद हमारे पास जो यहां पे ये OH है, इसको मैं ऐसे करता हूं, ये OH, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में, ये हमारे पास ये ऑक्सीजन, इसके ऊपर ये वाला बॉन्ड होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां पे निगेटिव चार्ज आएगा और ये एच निगेटिव जाके इस मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा, देखें एच सी ओ एच एच एच। अब यहां पे आ गया निगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे आया निगेटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, क्योंकि यहां पे देखें के पॉजिटिव की फॉर्म है, क्योंकि यहां पे ये मेरे हुआ था ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये के पॉजिटिव इसके साथ आ जाएगा और फॉर्मेशन कर लेगा एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ के पॉजिटिव निगेटिव। यहां पे ये साल्ट का फॉर्मेशन हो गया और यहां पर ये एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। हमको कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए था, यहां पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन गया था। बेसिकली ये देखिए ये बना है फॉर्मेट आयन और ये बना है क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग पहले एक फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लेते हैं, आप कोई भी ऐसा एल्डिहाइड लें जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, आप उससे रिएक्शन करवा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक मॉलिक्यूल हमको एल्कोहल मिलेगा और एक मॉलिक्यूल हमको साल्ट मिलेगा, या यूं कहें कि कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अब यहां पे देखिए हम लोगों ने एक अल्फा ऐसा एल्डिहाइड लिया था जिसके पास क्या था, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं थे। अब यहां पे कंसंट्रेट के OH, इसकी यहां पे वो बात की जाती है कि 50% इसका जो स्ट्रेंथ होती है 50% होती है। यहां से OH निकला, इस पे डेन पॉजिटिव, इस पे डेन नेगेटिव, तो पॉजिटिव पे क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है और ये ऐसे सेंटर पे अटैक करता है जहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज पे अटैक किया और फॉर्मेशन हो गया हमारे पास इसका, यहां से हाइड्राइड निकला, एच निगेटिव निकला, ये एच निगेटिव इससे आके जुड़ जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा CH3O निगेटिव का। वापस यहां से ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और इस पॉजिटिव आके इससे जुड़ जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा एल्कोहल का। तो इस तरीके से जो हमारे पास कैलिजारो रिएक्शन थी, बड़ी सिंपल रिएक्शन है, इसको एक तरीके से ये कहते हैं कि जिस ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो उससे ये रिएक्शन करके एक मॉलिक्यूल उसी का, यानी जो हम लोग एल्डिहाइड लेंगे उसी का एक मॉलिक्यूल हम लोग क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल वहां पे एल्डिहाइड सॉरी एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोग कैलिजारो रिएक्शन करते हैं। मैंने इससे पहले एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करवाई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा देख लें, क्योंकि ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। नेमिंग रिएक्शन जो पेपर में आती है, रूटीन नेमिंग रिएक्शन आती है, उसमें एल्डोल कंडेंसेशन या कैलिजारो रिएक्शन बहुत पूछी जाती है। तो हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching.